बोनट कटा हुआ है यहाँ पे, एक अलग से एक एक्स्ट्रा एक डिजाइन का लग रहा है बोनट का, ये ठीक है बोनट का एक शो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका दो तरह का बोनट आता है, एक प्लेन भी आता है, एक डिजाइन वाला भी आता है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग हमने काम किया। ये कोई वर्कशॉप वाले हैं, उन लोग भी हम लोग को देख काम करवाते हैं, इसीलिए हम लोग अभी फिलहाल अभी इसका रेट नहीं बता पा रहे हैं। किसी को सीरियस बताइए, कोई सीरियस है? नहीं नहीं, कोई सीरियस है तो आके आप एक बार मेरे कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए तो मैं आपको बताता हूँ। कोई सीरियस अगर से है तो। अच्छा सर, बाहर का पार्ट छोड़ के इंजन का कुछ काम हुआ है क्या? ये इंजन का नहीं है, हम दिखा दे रहे आपको क्या क्या इधर में क्या हुआ है। ये आपका ये आपका लगा है, ये लगा है, हाँ ये कवर होता है ना प्लास्टिक। अच्छा कवर कवर सो है, ये लगा है, ये लगा है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ सर। सर वैसे बहुत सारे नया दोस्त देख रहे हैं आप, पहले ही अगर लोकेशन अच्छे से बता। सर हम लोग का कंपनी का नाम हुआ ऑटोमैनिक मोटर का प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग कोलकाता से हैं। हम लोग का जो एड्रेस है 30 नंबर आलूपुरा धापा, प्लॉट नंबर 10। बाकी नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको करंट लोकेशन भेज दिया जाएगा और आप हम लोग वर्कशॉप में विजिट कर सकते हैं। सर वैसे तो आपका तो काफी फैन फॉलोइंग हो गया है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखिए महीना में 5 से 6 वीडियो तो इधर का एकदम 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 ठीक है। तो सर आज का टॉपिक थोड़ा बता दीजिए आप। आज का जो टॉपिक है ये है BMW 5 सीरीज को हम लोग कन्वर्ट किए हैं, कौन सा मॉडल था, कौन सा मॉडल में कन्वर्ट किए, हम लोग बताएंगे आपको। क्या बात है, देखिए आपका पास अगर BMW है ना तो कंप्लीट वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिए, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हाँ। और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश, तभी समझ में आएगा कि हम लोग कैसे क्या करना है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूँ, इसीलिए पहले ही आपको 2-3 क्लिप दिखा दिया ताकि आपको ये पता चले कि आज कहां से शूट कर रहा हूं और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है तो शुरू किया जाए सर? शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। तो दोस्तों इंट्रो में जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि BMW का मॉडिफिकेशन का काम आज पूरा दिखाऊंगा, कितना खर्चा हुआ, कितना टाइम लगा है, तो जानकारी ले लेते हैं करके। सर बताइए इतना खूबसूरत फिनिशिंग आया है। जी जी देख सकते हैं आप। हाँ जी, ये आपका 2011 का कार था। अच्छा, इसको हमने कन्वर्ट किया 2022 में। 22 में जी 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 बिल्कुल 2011 का कार था, इसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं 2022 में। ठीक, ये आपका इसका क्या क्या काम हुआ है अभी बताएंगे आपको। हाँ। जैसे आपका ये पहले ये बताइए ये कार क्या कोलकाता की है बाहर की? नहीं कोलकाता का ही है। कोलकाता का ही जी। है अच्छा ठीक है, अब बताइए एक एक करके कि क्या क्या मॉडिफाई किया अब इसका जो है। वैसे तो देखने में तो एकदम गर्जियस लग रहा है, देखिए बेहतरीन लग रहा है, एकदम खूबसूरत लग रहा है भाई इस कार को देख के, यूनिक लुक आया है। हाँ, इसका जो हम लोग फ्रंट का पूरा जितना भी हाँ, देख रहे हैं सारा चीज चेंज हुआ, आपका हेडलाइट, ग्रिल, फ्रंट बम्पर, ये आपका बोनट, ठीक है पूरा ये सारा चीज आपका चेंज हुआ है। हाँ, ये और आपका बैक का भी, आपका रियर का बम्पर है, अच्छा टेल लाइट है, अच्छा आपका डिग्गी का जो है वो लाइट है, सारा हम लोग चेंज किए इसका। अच्छा, तब हम लोग इसको 2011 से हम लोग कन्वर्ट किए 22 में एकदम 10 साल का बाद का जो मॉडिफिकेशन है वो करके दिए। जी, जी जी जी, ये देखिए इसमें बोनट डिजाइन है यहाँ पे, बोनट कटा हुआ है यहाँ पे, एक अलग से एक एक्स्ट्रा एक डिजाइन का लग रहा है बोनट का, ये ठीक है बोनट का एक शो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका दो तरह का बोनट आता है, एक प्लेन भी आता है, एक डिजाइन वाला भी आता है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग हमने काम किया ये। जी जी, कस्टमाइज मतलब जिसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं उसको हमने किया है, पूरा किट लगा के। सर लाइट क्या कुछ चेंज हुआ या नहीं? नहीं सर, हेडलाइट पूरा कंप्लीट चेंज हुआ सर, पूरा कंप्लीट चेंज हुआ। हां वही तो देख रहा है, एकदम जबरदस्त लग रहा है भाई एकदम। जी जी जी, वाओ। तो सर ये कितना दिन टाइम लगा इसको करने में? सर इसका जो टाइम लगा हम लोग को मॉडिफिकेशन करने में, कम से कम पकड़ लीजिए वो 15 से लेकर 20 दिन के अंदर में। सिर्फ अब तक अभी फिनिश है इसमें, या तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है या तो इसमें रैपिंग होगा या तो पेंट होगा। अच्छा, अभी रेडी है पेंट होने के लिए। पेंट होने, हाँ पेंट होने के रेडी है अभी। अच्छा, अब या तो पेंट हो या तो इसमें रैपिंग लगे। अच्छा, पेंट होगा तो और भी 4-5 दिन लगेगा। जी 4-5 दिन, कम से कम 10 दिन लगने वाला। 10 दिन लगेगा। और इसके बाद में अगर से रैपिंग होगा तो 4-5 दिन के अंदर में हो जाएगा। 4-5 दिन का अंदर हो जाए, ये अक्सर रैपिंग ही होगा। अच्छा, रैपिंग कौन सा कलर का रैपिंग अभी हमने आपको दिखा देंगे अभी हम। अच्छा, ये रैपिंग होगा। हाँ हाँ, अरे देख सकते हैं आप, ये कार इस तरह का हो, इस तरह का हो जाएगा इस कलर का। अच्छा, इस कलर का। हाँ, मतलब कलर कराने की जरूरत नहीं, कराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये धूप में बरसात में कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। अच्छा वाओ, ये तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि धूल बुल पड़ेगा तो झाड़ देने से हो जाएगा। बस बस एकदम वेरी गुड फैंटास्टिक। ये इसमें रैपिंग होने वाला, जब रैपिंग होगा हम लोग दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कार को एक बार।
ठीक है, इसको रख दीजिए सर। 2011 की कार है और 2022 की बनाया है आपने, तो इसमें कितना क्या खर्चा आया थोड़ा बताइए। देखिए खर्चा दो तीन तरह का खर्चा है। हाँ बताइए सर। अगर किसी को कराना कोई सीरियस है तो कॉल करे, ऐसे तो खर्चा ऐसे नहीं बोल सकते हम, क्या बहुत सारा बी टू बी हम लोग का काम होता है, बी टू बी वाला भी काम होता है हम लोग का, इसीलिए भी खर्चा नहीं। जैसे कोई गैराज वाले हैं, कोई वर्कशॉप वाले हैं, उन लोग भी हम लोग देखे काम करवाते हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग अभी फिलहाल अभी इसका रेट नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, नहीं, किसी को कोई सीरियस बताइए, कोई सीरियस है? नहीं नहीं, कोई सीरियस है तो आके आप एक बार अच्छा मेरे कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए तो मैं आपको बताता हूँ। कोई सीरियस अगर से है तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है आपका, अगर ऐसा बीएम है आप अगर इसको मॉडिफाई कराना चाहते हैं, कस्टमाइज कराना चाहते हैं, अगर आप सीरियस है कराना चाहते हैं तो ही आप कॉल कीजिए, भाई के साथ डायरेक्ट बात कीजिए। अभी जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है डायरेक्टली बात कीजिए, आपको खर्चा कितना आएगा, कितना दिन टाइम लगेगा, क्या क्या सारा चीज बता देंगे, सब कुछ सारा चीज सबको बता दिया जाएगा। सर एक और एक बात, ये 5 सीरीज कार है, 5 सीरीज कार है डीजल 6 सिलेंडर का जी। इसको ये है 2011 का, इसको हमने कन्वर्ट किया है 2022 में जी। बिल्कुल फिर से बोलते रहिए, 5 सीरीज कार है ये, 2011 का कार है, इसको हमने कन्वर्ट किया है 2022 में। ये आपका फ्रंट का बम्पर, ग्रिल, बोनट, हेडलाइट, रियर बम्पर, टेल लाइट, डिग्गी का लाइट, ये सारा हमने चेंज किया है। ये आपका बोनट का ये हुट है, बोनट का इसको हुटी बोलते हैं, फेंडर का फेंडर, हाँ फेंडर भी हुआ आपका, सॉरी हम फेंडर भूल गए थे, दो फेंडर बम्पर, दो फेंडर बम्पर, हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर, उसके बाद में आपका बैक बम्पर, उसके बाद में आपका डिग्गी का लाइट, पहले ये गाड़ी का जो बिफोर का सिस्टम जैसे आया था, ये गाड़ी उसका क्या क्या सिचुएशन था वो भी दिखाएंगे और इसका बाद रैपिंग करने का बाद गाड़ी का फिनिश कैसा होगा वो भी दिखाएंगे ताकि आपकी कॉन्फिडेंस मिले, आपका भी पास भी अगर बीएम है आपको भी कॉन्फिडेंस मिले, हाँ भाई 5 सीरीज का हम भी लेके जाए तो मेरा भी कार का मॉडिफिकेशन हो जाएगी। और किसी को भी कोई कार कराना हो आपका, 5 सीरीज का हो, 3 सीरीज का हो, कोई भी कार हो, बीएम का कोई भी प्रीमियम कार हो, आपको मॉडिफिकेशन कराना हो सामने से, पीछे से, फ्रंट से, रियर से, या तो कुछ भी फुल मॉडिफिकेशन कराना हो, हम लोग पास कॉल कीजिए, हम लोग से कोटेशन लीजिए, हम लोग काम कर देंगे आपका। वेरी गुड वर्क। तो सर इसका रैपिंग कराने के बाद अप्रोक्सीमेट 30 डेज हम लोग टोटल कंप्लीट, 30 डेज सामान आने के बाद जरूर, ये पार्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है जी। बिल्कुल ये प्रोजेक्ट करीब करीब 2 मंथ का प्रोजेक्ट है, ये 2 मंथ का प्रोजेक्ट है, ये पार्ट्स लाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक और से अवेलेबल रहा तो भाई जल्दी हो जाएगा, 1 मंथ के अंदर में हो जाएगा, नहीं तो 2 मंथ मैक्सिमम रख के रखिए आप। अच्छा सर बाहर का पार्ट छोड़ के इंजन का कुछ काम हुआ है क्या? ये इंजन का नहीं है, हम दिखा दे रहे आपको क्या क्या इधर में क्या हुआ है। ये आपका ये आपका लगा है, ये लगा है, हाँ ये कवर होता है ना प्लास्टिक। अच्छा कवर सो है, ये लगा है आपका। अच्छा वहाँ उस साइड का भी लगा है, ये भी पूरा सील हो गया, ये तो हमने बताया ये वो लगा है, ठीक है ना, ये सब सारा चीज लगा है। वाओ अभी तो एकदम बिल्कुल फैंटास्टिक लग रहा है भाई। जी थैंक यू। तो इसका सिर्फ लोगो लगाना है। हाँ लोगो लगाना है, बाकी है। बीएमडब्ल्यू बहुत सारे दोस्त लोगों का पास है, कुछ टिप्स दीजिए अगर वो लोग बीएमडब्ल्यू का मॉडिफिकेशन कराना हो, बीएमडब्ल्यू को आपको अपडेट कराना हो 2011 का, देखिए हम लोग 2022 में कन्वर्ट किए, ये करवाना हो या कुछ भी करवाना हो हम लोग कॉन्टेक्ट करे, हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, हम लोग व्हाट्सएप करे, फोटो भेजे कि ऐसा हमारा कार है, ऐसा कराना है, हम लोग जो भी चॉइस आपका, रिक्वायरमेंट आपका, हम लोग कर देंगे, जो भी आप बोलेंगे कस्टमाइज जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, वो हम लोग कर देंगे आपके लिए। एकदम क्या बात है दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, फटाफट कॉल कीजिए, पहले अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। बार बार वीडियो में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कॉल कर दिए कार लेके चले आए हो गया, नहीं आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, सर डेट दे देंगे, उस डेट पर आइएगा, आपका पूरा के पूरा काम कंप्लीट होगा। तो सर फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज का किस तरह से मॉडिफिकेशन हुई है, क्या क्या काम हुआ है, कितना दिन टाइम लगा है, सारे चीज का बारे में सैन ने इसी वीडियो का माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अगर आपका पास बीएमडब्ल्यू है या फिर बीएमडब्ल्यू सीरीज का कोई भी कार आपका पास है, आप अगर चाहते हो कि हाँ भाई मॉडिफिकेशन कराए, उसका अपडेट मॉडल में कन्वर्ट कराए, तो देखिए फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, ये ऑटोमेनिक के अमन साहब की नंबर है, अभी कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप अपना टाइम का हिसाब से कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज, व्यूअर्स के लिए आपका प्रीमियम कार कोई भी हो, कोई भी ऑडी, बीएम,
मर्सिडीज कुछ भी कार हो आपका, कुछ भी कार मॉडिफिकेशन कराना हो, अपडेट करवाना हो, तो हम लोग के पास में आइए, हम लोग को कॉल कीजिए और हम लोग को मौका दीजिए, आपको बेस्ट सर्विस करके देने का मौका दीजिए सर। सो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।